What is your name? My name is Lal Bahadur. स्पेलिंग करना एप्पल A-double-P-L-E एप्पल बॉल नो बॉल नहीं डी फोर क्या है डी फोर डॉल स्पेलिंग करो डी ओ जी डॉल ऑल इट टुगेदर बोलो एप्पल D for doll. D-O-double-S, doll. Sorry, W-H-I-S-P-E-N, whisper. Bol sakte ho? Nahi na? Small. Q hai, no small letter. Small letter Q. Ye kya hai, kaun sa letter hai? P, small. K small letter kahan hai, side? L. What is your name? My name is Lal Bahadur. Lal Bahadur? Okay, nice name. And what is your name? My name is Kim Bahadur. Kim Bahadur. So, ye Lal Bahadur hai. Hi, bolo, sir. Okay. Kim Bahadur hai. Ye class 1 mein padhti hai. Ye class 2 mein padhti hai. KG 1. KG 1. Aur hai standard 2 mein, right? Aur ek कल जो हम गए थे स्कूल स्कूल में पढ़ते फ्री में राइट क्लास टू अरे लोग फ्री में जो मैं बता रहा था फ्री में पढ़ते नीडी होम क्या नीडी होम एकेडमी नीडी होम एकेडमी ये रहा किताब और संग्राम भाई यहाँ पर कैंप लगा हुआ है संग्राम भाई अभी सो रहे थोड़ी देर बाद हम निकल पड़ेंगे संग्राम भाई उठने के बाद फ्रेश होके आज का जो हमारा डेस्टिनेशन रहेगा वहाँ पर तो दोस्तों कल शाम आपको ट्राई किया था ट्री हाउस दिखाने के लिए पर देख नहीं पाई बड़ा सुबह जैसे भी करके हम देखेंगे हमने एक पता लिए एक प्रकाश भाई से और बोले कि थोड़ा आगे जाके इधर आगे जाके हमें ट्री हाउस देखने को मिलेगा तो उसी की तरह हम जा रहे हैं और मैं भी फर्स्ट टाइम देखना चाहता हूँ कैसा होता है ट्री हाउस मैंने बस वीडियोज़ में फ़ोटोज़ में देखा है तो अभी जाते और आपको भी दिखाते कैसा होता है ट्री हाउस और दोस्तों थोड़ी देर चलने के बाद संग्राम भाई का स्लीपर गया टूट गया इसको कैसे लेके जाना पता नहीं थोड़ा 5-10 मिनट चलना पड़ेगा आगे तो लंगड़ा के चल रहा है फेंक देंगे और एक सैंडल है ना वो वाला डिकासन वाला वो सैंडल पहन के बाकी है ट्रैवल हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम कुछ भी खरीद ले तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं ट्री हाउस में मेरे पीछे है ट्री हाउस और ये मेरा ज़िंदगी का पहली बार मैं ट्री हाउस को देख रहा हूँ और इसको जो चला रहा है अंडर टेक्निकल गाइडेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट केन एंड बाम्बू डेवलपमेंट काउंसिल ये पूरा इसको रन कर रहे हैं अभी शायद ये डिसमेंटल हो गया इसको नहीं चला रहे क्योंकि ये थोड़ा देख रहा हूँ पूरा मेंटेनेंस नहीं हुआ बहुत दिन से बाकी बहुत ही प्यारा लग रहा है फर्स्ट टाइम है एंड तो एक्साइटेड हूँ चलते ऊपर और आपको भी दिखाते और ख़ुद भी एक्सपीरियंस करते हैं ट्री हाउस तो चलिए चलते ऊपर और ये जो रोड है ये जो आप देख सकते हो ये पूरा लकड़ी से बना है और चल रहे ऊपर ऊपर की तरफ और ये है फर्स्ट फ्लोर ये है संग्राम भाई जो बैठा है ये बैठने की एरिया पूरा पेड़ के अंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये है बैल्कनी यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो तो फर्स्ट फ्लोर में कुछ ऐसा है तो शायद ऊपर एक दिख रहा है कि सेकेंड फ्लोर है मतलब दो फ्लोर है तो चलते ऊपर देखते कैसा है ऊपर का फ्लोर और तो ऐसा कुछ रोड से होके हम होते हुए जाएंगे ऊपर वाह थोड़ा मेला है क्योंकि ये अभी कोई आता नहीं है यहाँ पे इसलिए बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी है लाइट जल रहा है वाह ये भी बैठने का अरेंजमेंट है इसके ऊपर नहीं जा सकते क्या हम यही है ना और क्या अरे नहीं ये तो छोटी लगा हुआ है अच्छा है भाई है और एक ऊपर है क्या वाओ मैंने सोचा था सेकंड फ्लोर दो फ्लोर है बट इसके ऊपर भी है बाकी इसको भी आप दिखा देते ये फ्लोर यहाँ पर रोड से आके ये चारों तरफ व्यू है और इस पेड़ के ऊपर कुछ फल हुआ है जिस पेड़ के ऊपर हम ट्री हाउसेस बना हुआ है
पता नहीं क्या फल है। तो बाकी और एक फ्लोर हमें दिख गया, हम डिस्कवर किया और एक फ्लोर, तो चलते ऊपर। नेचर के साथ रहने का कुछ अलग ही एक स्वाद है, अलग ही मज़ा है। और ऊपर से ये बैल्कनी के एरिया, ये भी देख लेते हैं, देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत पुराना है, यूज़ भी नहीं होता, इसका मेंटेनेंस भी नहीं होता, तो देख के धीरे धीरे चलना पड़ेगा आगे। और ऊपर से ये लोकेशन सबसे बेस्ट लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट में, कहीं भी चले जाओ बाम्बू से बना हुआ होता है, बहुत अच्छा भी लगता है, फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए। एक्चुअली ये जो ट्री हाउस है एक फार्म हाउस के अंदर है, तो इसलिए हम शाम को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि पर्सनल एक प्राइवेट जगह के अंदर था, इसलिए हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, बट आज देखिए तो अच्छा लगा। छोटा सा एक वीडियो था आपको दिखाने के लिए कि ट्री हाउस कैसा होता है, कल से हम कोशिश कर रहे थे, आज फाइनली हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो बाकी चलते हैं नीचे, और वीडियो नीचे जाके ख़त्म करेंगे। हम नीचे आ चुके हो रहा ट्री हाउस, और सामने एक फार्म हाउस के अंदर है ये ट्री हाउस, और एक छोटा सा ट्री हाउस यहाँ पर बना हुआ है, बट इसके ऊपर जाने के लिए मना किए क्योंकि ये कभी टूट सकता है। ये रैक ट्री हाउस है, देख सकते हो, बड़े टूट सकते हैं, इसलिए ऊपर नहीं गए, मना किए। और यहाँ पर सर टूरिस्ट लोग आते थे पहले यहाँ पे आके, इसलिए सब अरेंजमेंट किया गया था, बट अभी ये बंद पड़ा है। दुर्गा बहादुर, थैंक यू बहादुर भाई, बाय बाय। ओह तो बाकी चलते आगे की तरफ, यहाँ से हम जाएंगे और एक डेस्टिनेशन पे आज। और जो फार्म हाउस बोल रहा था ये उस मालिक का, इम्फाल के मालिक का फार्म हाउस, यहाँ पर देख रेख करते बहादुर भाई। और इसी के अंदर आके आपको वहाँ पर ट्री हाउस है, वहाँ पर आप आके इनसे परमिशन लेके अंदर आके आप देख सकते हो। सो दोस्तों ये था छोटा सा ट्री हाउस का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब तक मुझे अब इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना प्लीज़। तो मिलती है ऐसे ही ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।